आपको कष्ट दिया है कुछ थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। आज पंजाब के आदरणीय स्पीकर श्री KPS राणा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक शिष्टाचार भेंट के नाते भी गया था और एक अपने कुछ मकसद के लिए भी उनसे भेंट की थी। सबसे पहले तो मैं उनका आभार हूँ कि उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया और जो विधानसभा के अंदर रहने वाले कुछ विषयों के ऊपर चर्चा की। उसके पश्चात मैंने उनसे एक निवेदन किया कि 17 अक्टूबर 1966 को पंजाब और हरियाणा विधानसभा के कार्यालयों का विभाजन हुआ था और उसके मुताबिक पंजाब विधानसभा सचिवालय को 30,890 स्क्वेयर फीट और पंजाब विधान परिषद सचिवालय को 10,910 स्क्वेयर फीट और 10,910 और हरियाणा विधानसभा सचिवालय को 24,630 स्क्वेयर फीट जो एरिया है वो आवंटन किया गया था। 24,630 हाँ जी वर्क फीट। लेकिन बंटवारे के समय सौहार्दपूर्ण तरीके से बंटवारा हुआ, कुछ यूँ कह लीजिए कि हमें जो हरियाणा का हिस्सा था वो कम मिला। उस समय की ज़रूरत के मुताबिक शायद ठीक लगता होगा कि उस समय के जो अध्यक्ष रहे उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले साल भी एक पत्र विधानसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से पंजाब विधानसभा के कार्यालय को लिखा गया था और जिसमें ये बताया गया था कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से हमारे एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से हमारे पास स्पेस नहीं है। और जब विभाजन हुआ उस समय जो हमें हमारा हिस्सा दिया गया था वो हिस्सा पूरा अभी तक हमें उसका पोजेशन नहीं मिला है। तो उसके अंदर हमने डिटेल्स दी हैं कि जो जो हमें उस समय विभाजन के अंदर हरियाणा विधानसभा को अंदर मिला था उसके अंदर लगभग 16 कमरे ऐसे हैं जो अभी भी पंजाब विधानसभा के पास हैं। आज हरियाणा विधानसभा के अंदर जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास बैठने के लिए जगह की बहुत कमी है और यहाँ तक कि हमारे मंत्री जो हैं उनको भी जो स्पेस मिलना चाहिए, बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए, वो बहुत कम है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि एक हरियाणा विधानसभा की ज़रूरत को देखते हुए, हमारी समस्या को देखते हुए पंजाब को एक बड़े भाई के नाते हमने प्रार्थना की है कि वो जो हमारा ये स्पेस है, जो हमारा हक भी है, वो हमें लौटाया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब के स्पीकर साहब ने बड़ी फराक दिली से ये कहा कि जल्दी ही एक सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग जो पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी और हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी बैठ कर के इस पर डिस्कशन कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये 14 और 6 20 कमरे हैं, टोटल 20 कमरे हैं।
जो उनके पास है, हमारे कमरे जो 20 कमरे हैं, अगर वो कमरे हमें मिल जाते हैं तो स्टाफ को बैठने में भी सुविधा मिलेगी और जो हमारे अधिकारी हैं या हमारे मंत्री हैं उनको भी हम स्थान दे पाए। एक तो मैंने आपसे ये निवेदन करना था, ये तो डिटेल्स हैं, मैं आपको बाद में उसकी प्रति उपलब्ध करा दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्या क्या नंबर के कमरे हैं जो आज तक हमें नहीं मिले। देखिए, हाँ देखिए, टोटल जो एरिया है इस पंजाब और हरियाणा विधानसभा क्षेत्र का कुल एरिया है वो 66,430 है। हाँ जी, इसमें जो विभाजन हुआ था उसमें 30,890 स्क्वेयर फीट पंजाब विधानसभा को दिया गया था, 890। और उस समय क्योंकि पंजाब विधान परिषद भी थी, उस पंजाब विधान परिषद सचिवालय को 10,910 स्क्वेयर फीट दिया गया था और हरियाणा को 24,630 स्क्वेयर फीट था। उस समय विधायकों की संख्या की एग्जैक्ट तो मुझे जानकारी नहीं है, मेरा ख्याल है विधान 10,910। हाँ, विधानसभा विधान परिषद बाद में ख़त्म हो गई थी, वो पूरे का पूरा एरिया जो था वो 24,630 मिलना चाहिए था लेकिन उतना मिला नहीं। अब उसमें से लगभग 27-28% मिला, 40% मिलना चाहिए था, 60-40 की रेशो थी, 60-40 में से हमें 27% मिला है। और ये एग्जैक्ट रूम नंबर भी इसके अंदर दिए हुए हैं कि कौन कौन से रूम हमें मिलने चाहिए थे, वो अभी नहीं मिले। नहीं, हमने तो अपना ही हिस्सा मांगा, हमने अपना हिस्सा ही मांगा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आदरणीय पंजाब के स्पीकर साहब ने इसको लिया है और आगे जो हमारे सेक्रेटरीज हैं विधानसभा के, उनकी मीटिंग करने के लिए विधानसभा की वहाँ सेक्रेटरी थी, उनको ये आदेश दिया है कि इनके साथ नहीं, अभी जल्दी हो जाएगा इसका। नहीं, 60-40 के अंदर ही हरियाणा पंजाब का डिवीज़न हुआ था, यहाँ का जो चंडीगढ़ का भी पूरा वो था 60-40 का ही था सारा, जो सेक्रेटेरिएट का पोर्शन है वो भी 60-40 है और यहाँ का भी 60-60। पंजाब के कुछ तो वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ उनकी जगह कई, जहाँ मुझे जानकारी मिली है कि उनका कुछ फर्नीचर वगैरह जो वो स्टोर टाइप वहाँ पर बना हुआ है। हाँ, उनका मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये पता लगा कि वहाँ पर उनका फर्नीचर को जो स्पेयर फर्नीचर है या टूटा फर्नीचर है वो ऐसा कुछ रखा हुआ। हाँ देखिए, स्पीकर लेवल के ऊपर तो फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि हमारी नज़र ज़रूरत है यहाँ पर, जिस प्रकार से हमारे कर्मचारी जो हैं उनके पास बैठने का स्पेस नहीं है, एक एक कमरे के अंदर चार चार विंग के कर्मचारी बैठे हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए हमने उनसे प्रार्थना की है। हाँ जी, हाँ 24,630 है। हाँ जी, 24,630 होना चाहिए था। हाँ, 20,000। हाँ, काफ़ी पूरी हो जाएगी, काफ़ी कुछ पूरा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक बड़े भाई के नाते पंजाब को छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिस प्रकार से स्पीकर साहब ने आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि अभी जो पंजाब के राज्यपाल या प्रशासक हैं
उनसे मिलने की अभी जरूरत नहीं है। सर ये बताएं कि आप क्या आश्वस्त हैं जिस तरह से पंजाब हरियाणा के मामले उलझे हुए हैं कि आपको इतनी सरलता से जगह मिल जाएगी, आज जो उनके आश्वासन से आप आश्वस्त हैं? देखिए मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है और वो आश्वासन पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। ये स्पीकर लेवल पे संभव है कि स्पीकर ही फैसला कर देंगे या पंजाब सरकार भी इसमें शामिल? नहीं देखिए मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर स्पीकर अपनी सरकार से विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लेता है वो, लेकिन ये तो बात है कि जो ऑलरेडी हमारा हक है, डिवीज़न हुआ हुआ जिसके ऊपर निर्णय हुआ हुआ है, उसके बारे में दोबारा सरकार से कोई परामर्श लेना पड़े। नहीं लास्ट ईयर स्पीकर ने की तरफ से नहीं गया था, चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ को लिखा था, स्पीकर साहब से बात नहीं हुई थी उससे। तो कितने दिन में आप समझते हैं कि हिलजुल होगी कुछ? मीटिंग कब तक? जल्दी ही हो जाएगी, होप सो। नहीं आप जो कह रहे हो कि स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन देने का दिया है या सिर्फ मीटिंग करने का भी प्रोसेस कर लेते हैं? नहीं उन्होंने कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं जरूर करेंगे और पहले मीटिंग के अंदर वर्कआउट हो जाए कि क्या क्या देना है, क्या क्या जरूरत है या क्या हमारा हक है, उस मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। गुप्ता जी आप पंजाब विश्वविद्यालय का इशू भी बार बार उठाते रहे हैं, हाँ पंचकूला के जो कॉलेज है उसका क्या स्टेटस है और पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री से भी आपने बात की? बिल्कुल मैंने की थी, मैंने आदरणीय चांसलर साहब से भी बात की थी और उसके बारे में भी मेरा प्रयास है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा शेयर था वो भी हरियाणा को मिलना चाहिए और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की थी, राजनाथ अपने अमित शाह जी से जब यहाँ पर आए थे उस समय भी पत्र दिया था। एक प्रयास है, देखें। एक दूसरी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि 9, 10 और 11 तीन दिन के लिए एक नेपाल के कुछ लेजिस्लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, 9, 10, 11 दिसंबर। वहाँ का जो सेटअप है कि वहाँ 7 स्टेट बनी हुई हैं, जो 5 नंबर स्टेट है बटवाल, रूपाम, देशी, नेपाल, इसके जो वहाँ की जो असेंबली कह लीजिए जो भी वहाँ सेटअप है 5 नंबर स्टेट के, वो उनके अधिकारी और वो लोग आ रहे हैं यहाँ स्टडी करने के लिए, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्यवाही को जान, कार्य प्रणाली को जानने के लिए एक ऐसा डेलीगेशन भी यहाँ पर। इसका अभी 16 लोग आ रहे हैं, 4 ऑफिसर्स, 11 एमएलए, हाँ जो भी है नाम लिखा हुआ प्रदेश। हाँ जी डेलीगेशन ऑफ स्पेशल कमेटी ऑन नॉमिनेशन एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द स्टेट नंबर 5, इसमें ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, तो ये तो एक तो उनका तरफ से रिक्वेस्ट आई है। विधानसभा में यहाँ की जो मिलने के ये यहाँ तो उनका तो एजेंडा तो सिर्फ हरियाणा के स्पीकर, पंजाब के स्पीकर, सभी स्टेट्स में जाकर मुझे लगता है कि वहाँ की जो मुलाकात करके स्पीकर से कार्यशैली जानने का ही है कि किस पर पंजाब, शायद पंजाब को भी मिलेंगे, वो पंजाब वालों को भी मिलेंगे। हाँ जी हमारा एक दिन का। क्या उस पे कोई स्टेटस है सर किसी तरह का आपके लेवल पे कोई प्रयास?
नहीं, अभी प्रयास शुरू नहीं किया, करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकेगा जरूर करेंगे पेपरलेस करने का, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कहीं हुआ है उसके रिजल्ट कई जगह तो बहुत अच्छे आए हैं, कई जगह बिल्कुल उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है देहरादून में, आने वाले दिनों में, आपका वहाँ पे क्या मतलब? देखिए, दो विषयों को लेकर के वहाँ पर चर्चा होने वाली है देहरादून। ये है 18 और 19 दिसंबर। हाँ जी, हाँ ऐसा भी जानकारी मिली है कि लोकसभा स्पीकर भी वहाँ रहेंगे। इसमें दो इश्यूज हैं, 10th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रोल ऑफ स्पीकर। दूसरा इशू है स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इन हाउस डिवाइसेस इंक्लूडिंग 0 आवर। इन दो इश्यूज के ऊपर वहाँ जो ये सारी चर्चा रहेगी। चर्चा क्या होगी, कैसे कंडक्ट करना है जीरो आवर? हाँ, 0 आवर के अंदर कैसे कंडक्ट करना है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं स्पीकर्स को, किस प्रकार से लेजिस्लेटर्स को सेटिस्फाई करना है, ये और डिबेट आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना जाए तो इसमें कैसे। हाँ जी, सेकंड है 0, स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इन हाउस डिवाइसेस इंक्लूडिंग 0 आवर। शून्यकाल सहित सदन के अन्य साधनों से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण। हाँ जी।